गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ रोस्मा देवी विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का अम्मा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक तैयार कमर का है। इस पाठ का अध्याय आज अपना विलेक्षण तीसरा है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जो मर्दा की प्रॉपर्टी के बारे में आपने बेसिकली अध्ययन किया था कि मर्दा प्रोफाइल डायग्राम फॉर्म में स्पीकर थे, मर्दा के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पार्टीशन देखने को मिलते हैं। आपको बताया ना मर्दा प्रोफाइल डायग्राम, आपको याद होगा कि ऊपरी मर्दा और निचली मर्दा के अलग अलग क्या थे, इस तरह के उसके अलग 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 प्रॉपर्टी देखने को मिलती थी। परंतु आज आप देखेंगे मर्दा के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मर्दा की अलग अलग विशेषता देखने को मिलती है। तो देखिए अपन बात करेंगे मर्दा के मुख्य तो तीन प्रकार होते हैं, जिनका लिए बात करें तीन प्रकार है, बालू, मृतिका और दोमट मिट्टी। तो देखिए बालू मिट्टी क्या होती है, दोमट मिट्टी क्या होती है और मृतिका क्या होती है, ये के बारे में इसकी कहते हैं। तो जनरली बालू मर्दा का वह पार्टिशन या वह प्रकार होता है जिसमें कणों का आकार क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। बड़े बड़े आकार के इसमें कण पाए जाते हैं, कंकर, पत्थर। मर्दा के ऊपरी पार्टिशन में देखें तो जो पंपी के रूप में मर्दा हट जाती है, उसके साथ में बसा हुआ पार्टिशन होता है, तो जो सामान्य रूप से देखने को मिलती है अधिकतर बालू मर्दा होती है। ये बालू मिट्टी ज़्यादातर रेगिस्तान इलाकों में अधिक मात्रा में फैली हुई पाई जाती है। बालू मिट्टी की बात करते हैं तो कहाँ देखने को मिलती है, रेगिस्तानी पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में इसकी बात देखने को मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। आप उसमें पानी की बात करेंगे, जैसे इन तीनों मिट्टियों का आकलन भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपने क्या लिया, तीन पात्र लिए, तीन कटोरे ले लिए आपने, ए बी और सी तीन कटोरे लेते हैं और इसमें समान मात्रा में मान लो क्या लेते हैं आप, मिट्टी समान मात्रा में क्या ले रखी है, मिट्टी ले रखी है, मर्दा लेते हैं। एक में मान लो बालू मिट्टी डाली, दूसरी माप में मृतिका डाली और तीसरी माप में दोमट मिट्टी डाली, तीनों मिट्टी को डाल दी, फिर बाद में इसमें क्या डालते हैं, समान मात्रा में क्वांटिटी में पानी डालते हैं तीनों में। मान लो एक लीटर आपने ले रखा है, पचास एमएल, अब समान क्वांटिटी में पचास एमएल पानी इसमें भी डाल दें, पचास एमएल पानी इसमें भी डाल दें और पचास एमएल पानी इसमें भी डाल दें, फिर बाद में तीनों का कंपेरिजन अध्ययन करते हैं तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि बालू मिट्टी होती वो पानी को अवशोषित नहीं करेगी, क्योंकि तो पानी की खंड क्या होती है, वैसे डायरेक्ट पानी आएगा मिट्टी मात्र मिले तो पानी डायरेक्ट क्या होगा, इसके कारण बड़े बड़े दूर दूर होने की वजह से पानी की अवशोषित नहीं करती और पानी सीधा क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जबकि मृतिका में जैसे पानी ज़्यादा हल्की होने के कारण इसमें ह्यूमस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ह्यूमस, हल्की होने के कारण जैसे ही पानी डाला तो पानी के ऊपरी परत पे आकर तैरना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण बहुत छोटे छोटे बहुत माइनरली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल देखने मिलते हैं। तो आप बात कर सकते हैं जैसे पंपी होती है, कभी कभार देखा होगा आपने जब तेज आंधी चलती है, तूफान चलता है, उस टाइम में डायरेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल रेत होती हुई दिखाई देती है, तो रेत होती है ना वो क्या है आपकी मृतिका, क्या है मृतिका, जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा छोटा कणों का आकार दिखाया गया है, जो डायग्रामिकल मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है तो आप देखते हैं तो उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि बालू के कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और जो बालू मर्दा पानी को बिल्कुल अवशोषित नहीं करेगी और डायरेक्ट पानी क्या होता है उसमें से निष्पंदन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मृतिका भी पानी को अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाती क्योंकि पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। फिर बाद में देखते हैं दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी
जिसको भी बोलते हैं चिकनी मिट्टी, माटियाली मिट्टी या काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, जो कपास की फसल के लिए विशेष मानी जाती है। किस फसल कपास है या जितने भी प्रकार के आप देखते हैं जितने भी नदियों को दोमट नदियों के डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, तालाब नदी झील उसके आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी। या दोमट मिट्टी की विशेषता होती है कि इसमें बालू तथा मृत्तिका के दोनों के पार्ट देखने को मिलते हैं, दोनों के पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं और दोनों के कण उपस्थित होने की वजह से बालू को आपस में कनेक्टेड करने में मृत्तिका की भूमिका होती है और मृत्तिका बालू के बीच बीच में आ जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाएगी एक लेयर क्लियर हो जाती है और पानी को अधिक मात्रा में अवशोषित करने की संभावना रहती है। पानी अवशोषण क्या होगा, आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी अवशोषित होता हुआ दिखाई जाता है। तो अपन प्रैक्टिकल के दौरान देखते हैं तो तीन प्रकार के अपने डिस्क लिए, तीनों में समान भिन्न भिन्न प्रकार की समान क्वांटिटी में मात्रा मिले और फिर बाद में उसमें समान क्वांटिटी में जल मिलाते बीकर की सहायता से, तो आपको देखने को मिलता है जो दोमट मिट्टी होती है वो जल को अवशोषित कर लेती जबकि मृत्तिका पानी के ऊपर तैरने लगती तथा बालू मिट्टी होती है वो किसी भी प्रकार का जल अवशोषित नहीं करती और जल का क्या कर लेता है, निस्पंदन कर लेता है। तो दिमाग बात रही तो जनरली प्रोसेस होता है कि जिसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में मृदा की अलग अलग रूप होते हैं और उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टी भी भिन्न भिन्न होती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर बात करें राजस्थान में 75% भाग पे बालू पाई जाती है, कौन सी बालू मिट्टी, ऑनली फॉर घाट या पहाड़ी इलाकों पर देखें तो वहाँ पे आपके दोमट मिट्टी देखने को मिलती है, पहाड़ी इलाके या अपन बात करें झीलें हैं तालाब हैं उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं कि अपन कणों के आधार पर मिट्टी को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं और उनकी अलग अलग विशेषता थी, सर्व उपयोगिता सर्वाधिक लाभदायक मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी होती है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में किसी प्रकार कोई भी फसल का उत्पादन करोगे तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती और मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती पाई जाती है। तो देखिए इसके जस्ट आगे अपन देखेंगे तो मृदा के सामान्य क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न देखने को मिलती है, तो काफ़ी गुणधर्म भी मृदा में पाए जाते हैं उसकी विवरण स्टडी करेंगे। तो बात दिमाग भरेगी तो जो आपको सिंपल सा प्रश्न बता रखा है बालू मिट्टी ऐसी मृदा जिसके कण बड़े बड़े आकार के हो, बड़े आकार के कण पाए जाते हैं तथा इसमें कंकर तथा पत्थर देखने को मिलते हैं और ये क्या होती है चमकीली होती है, राजस्थान में देखते भूरे रंग की पूरी पूरी चमकीली परत की परत पाई जाती है वही क्या आपके बालू मिट्टी, और मृत्तिका भूरे रंग की नहीं होगी हल्के पीले रंग की हो सकती है ह्यूमस युक्त होती है, और दोमट मिट्टी एकदम काली होती है जो अधिक ह्यूमसता युक्त तथा बालू मिट्टी का क्या होता है मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं मिट्टी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसल हो जाती है और उसके अनुरूप से सही कार्य भी किया जाता है। बात दिमाग भरेगी जनरली ध्यान रहेगा कि बालू मिट्टी क्या होती है, मृत्तिका क्या होती है और दोमट मिट्टी क्या होती है और क्या क्रियाकलाप आपको समझा रखा है कि अलग अलग मृदा की जल अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, उसको मैंने क्रियाकलाप के माध्यम से आपके सामने पेश किया। अब अपन देखते हैं मृदा के सामान्य गुणधर्म, मृदा के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका एक बार जो आपके सामने पार्टीशन दे रखा है उसका एक बार इसका शॉट ले लीजिए फिर बाद में देखते हैं अपन मृदा के सामान्य गुण हो गया इसका शॉट देखिए मृदा की बेसिकली अपन बात करें मृदा के सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसको अपन स्टडी करते हैं। तो मृदा रसायन के अंतर्गत पहला फर्स्ट अपना आइडेंटिफाई करते हैं मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति का मतलब मृदा अम्लीय प्रकृति की या क्षारीय प्रकृति की। तो मृदा नॉर्मली मैक्सिमम कंडीशन में देखें तो मृदा कैसे होती है उदासीन प्रकृति, कैसे होती है उदासीन प्रकृति। कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं कि मान लो जिस स्थान की आप मृदा का टेस्ट करने जा रहे हैं तो उस मृदा को थोड़ा सा लेके उसको जल में डिजोल्व करें आंसू जल में और फिर बाद में उसको पीएच
मीटर या पीएस पेपर या लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके हम देख सकते हैं कि मृदा की प्रकृति कैसी है। तो मृदा की जलीय प्रकृति कैसी होती, उदासीन प्रकृति। मृदा में तो अम्लीय प्रकृति होती नहीं, क्षारीय प्रकृति। अर्थात प्रिंसिपल पीएस की बात करें, पीएस होती है वो नॉर्मली एकदम भी 7 के आसपास। फिर मृदा जल अंतःस्पंदन की दर क्या होती है, जल अंतःस्पंदन की दर का मतलब क्या है कि मृदा द्वारा जल ग्रहण करने का प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है वो इसकी क्या कहलाएगी, जल स्पंदन की दर। अपने इसको मात्र होता है ml प्रति मिनट कि मान लो जल आपने ले रखा है 20 ml है। अब ये क्वांटिटी क्या है, आप क्या बदल किया अपने मर्दा। अब जैसे ही मर्दा में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में मर्दा पानी को कितनी तीव्रता से एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। तो अवशोषित करने की दर ही पानी को मर्दा द्वारा अवशोषित करने की दर ही क्या कहलाती है, मर्दा जल स्पंदन कहलाता है। और मर्दा जल स्पंदन ज्ञात करने का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, जल की मात्रा बटा स्पंदन की दर में लगा समय। तो इस रूप में अपन रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं मर्दा स्पंदन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं तीसरा फैक्टर है वायु संचार कि मर्दा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मर्दा मान लो कठोर आर्द्रता है या उसमें वायु सूत्र है, वायु सूत्र होने की वजह से उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की गतिशीलता बढ़ती है और वायु क्षेत्र अनुपस्थित होने पर जीव जंतु की गतिशीलता कम हो जाती। जितनी जीव जंतु की गतिशीलता अधिक होगी उतनी मृदा की सामान्य प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट होती है। कई प्रकार के मृदा के लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृदा में देखने को मिलता है। तो अपन सामान्य देख सकते हैं जितना मृदा में वायु संचार अधिक होगा इंक्रीज देन मृदा की प्रॉपर्टी क्या होती डायरेक्टली इंप्रूवमेंट होती हुई बताई जाती है। तो ये नॉर्मली बात है कि वायु संचार मृदा में अधिक होना से वायु संचार जितना अधिक होगा उसके अकॉर्डिंग मृदा की उर्वरता या सामान्य प्रॉपर्टी जितनी भी इंक्रीज होती हुई बताई जाती है। जितनी भी प्रॉपर्टी जल स्पंदन की बात करें या रोग क्षमता की बात करें, पीएच की बात करें, सारे मैटर्स में क्या रिलाइज हो जाती है। मृदा में नमी है या नहीं, दूसरी क्या देखनी है आपको, मृदा में नमी है या नहीं, तो उसको अपने ऑब्जर्व किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर में मृदा ली, बीकर को स्टैंड पे लगा दीजिए और त्रिपाल की सहायता से यहाँ पे एक बर्नर लगा देते हैं और बर्नर के माध्यम से इस बीकर को क्या करते हैं, आप गर्म करते हैं। जैसे इस मृदा को आप गर्म करते हैं तो मृदा तो गर्म होती है, गर्म होने के साथ में धीरे धीरे आप देखोगे कि मृदा पे यहाँ पे क्या भीतर पे क्या पे जल भर सकते जल की बूंदे यहाँ पे आने का कारण क्या रहेगा, अलग अलग कंडीशन में आपके जल की यहाँ पे जैसे मृदा को गर्म करोगे तो भीतर के ऊपरी सतह पर आप देखोगे जल की बूंदे दिखाई देती है और जल की बूंदे ये प्रदर्शित करते हैं कि मृदा में जल की मात्रा देखने को मिलती है। तो जितने मृदा में नमी अधिक होगी उतनी मृदा की गुणवत्ता अच्छी होती जाती है और मृदा के सामान्य प्रॉपर्टी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो मृदा की नमी को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको दिमाग पर है कि एक बीकर में आप मृदा लूँ फिर बाद में उसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो मृदा तो गर्म होती है, धुआं निकलता ही और उसके साथ में बीकर के ऊपरी पार्ट में जल की बूंदें भर जाती है जो मृदा में उपस्थित जल को निरूपित करने का कार्य करती है।
तो इस प्रकार से अपन स्टडी करते हैं। तो मृदा के सामान्य गुणधर्म क्या है और मृदा क्या प्रकार है उसको आज स्टडी किया, समझने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो तो डायरेक्ट मैं उसके उसका समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाला नए वीडियो तो नया इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का डाउट या डायरेक्ट इंडायरेक्ट प्रॉब्लम हो तो उसके उसके समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।